शातिर तरीके से ठगी। श्यामपुर में एक ठग ने बड़े बड़े सपने दिखाकर पहले दर्जनों लोगों को दोस्त बनाया, फिर प्रॉपर्टी खरीदने और मोटा मुनाफा कमाने के सपने दिखाकर दर्जनों लोगों से लाखों रुपए ठगने का लोगों ने आरोप लगाया है। जब लोगों को ठगे जाने की जानकारी हुई तो उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। पूरा मामला जनपद बिजनौर के चांदपुर का है, जहां पर जैद नाम का व्यक्ति जेडएस एंटरप्राइजेस ऑल बैंक मनी ट्रांसफर के नाम से चांदपुर में दुकान चलाता है। दोस्तों को झांसा देकर जैद सरताज नाम के व्यक्ति ने प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त के नाम पर दर्जनों लोगों से लाखों रुपए लेकर फरार हो गया। जब इस पूरे मामले की जानकारी पीड़ित लोगों को हुई तो वह थाना चांदपुर अपनी फरियाद लेकर पहुंचे, लेकिन पुलिस ने उनकी सुनने के बजाय उल्टा जैद का अपहरण करने को कहते हुए तीन लोगों को थाने में बंद कर दिया। इतना ही नहीं, पीड़ितों ने बताया कि जैद सरताज हमारे लगभग 10-12 व्यक्तियों के पैसे लेकर भाग चुका है। उन्होंने बताया कि इस पूरे प्रकरण में पीड़ितों ने एसपी से मिलकर पूरे मामले से अवगत कराने की बात कही है। क्या नाम है आपका? रजा सईद, चांदपुर का रहने वाला। क्या समस्या है? जो समस्या ये है सर, इसने हमसे मतलब मेरा मोबाइल का काम है, उसका ट्रांजेक्शन का बिजनेस था, तो मैंने इसको पैसे दिए ट्रांसफर कराने के लिए दिल्ली अपने लड़के को। इसको मैंने कैश दे दिया, इसको दे दिया 10-12 दिन पैसे दिए हो गए थे, इसने अभी तक ट्रांसफर नहीं किया। फिर इसने मुझे यहाँ पर गोली दी कि मैं यहाँ पर बैठा हूँ पैसे लेने के लिए आया हूँ। फिर वहाँ पर 4 घंटे तक हम खड़े रहे, फिर वहाँ पर जाके देखा तो कोई नहीं। उसके बाद हम इसके घर पहुँचे, घर पहुँचने के बाद जब इसकी मम्मी वगैरह से मैंने बात की कि ऐसे ऐसे कहाँ है, तो इसकी मम्मी बोलती है कि मेरे लड़के के शेयर मार्केट में पैसे लगाए थे, किसी लड़के को दिए थे और वो ऐसे ऐसे मर गया है वो। तो हमने कहा हमें तो पैसे चाहिए, फिर ये चीज़ लेकर हम थाने में गए। थाने में जाने के बाद हमने देखा कि वहाँ पर हमने अपनी कार्रवाई मतलब बोला जो बोलना था, फिर उसके बाद इसकी मम्मी आकर हम पर इल्ज़ाम लगाई कि इन्होंने हमारे लड़के को किडनैप कर लिया और उल्टा हमें बंद कर दिया। कितने लोगों को बंद किया? हमें 3 लोगों को बंद किया था, और एक इसका चाचा था और एक इसका भाई था जैद कई, और 2 और कौन थे जी? मोहम्मद जामिन और ये मोहम्मद परवेज। फिर ऐसा छोड़ा, फिर हमने उन्होंने बात की, फिर पैसे वैसे देकर हम छूट कर आए। किसको दिए पैसे? वहीं पर दिए थे, हमारे चाचा वाजा ने छुड़वाया। निकलने के थाने में दिए पैसे? थाने में चाचा वाजा ने दिए थे हमारे पैसे, थाने में इंचार्ज वगैरह को दिए थे। आप क्या चाहते? हम फैसला चाहते हमारे पैसे मिल जाए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद परवेज। कहाँ के रहने वाले? शाह चंदन मोहल्ला चांदपुर। आज आप तमाम संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं, क्या वजह है, क्या समस्या है? वजह यह है, सरताज है बंदा, इसका वल्दी बाप का नाम है सरताज। विनय में पैसे लिए हमसे प्रॉपर्टी के मामले में, ऐसे ऐसे मैं प्रॉपर्टी ले रहा हूँ, इसमें ना हमें फायदा होगा, इसका ना तुम्हें शेयर दिया जाएगा। जिस बंदे ने हमसे पैसे ले लिए, अब पैसे लेने के बाद ना है वो बंदा भाग चुका है यहाँ से। जब हम इससे घर पहुंचे, वहां जाके पता चला है, मालूम हुआ है ना तो उसकी कोई प्रॉपर्टी का काम था, ना कोई उसके पास पैसा है, वो गायब हो चुका है, ना कोई प्रॉपर्टी। हमारे जो पैसे मैंने दिए 7 लाख रुपए, मैंने किसी से उधार लेके दिए थे पैसे के, इसके ना लालच मांगने के अंदर ना मैं तुम्हें पैसे दूंगा, मैंने उधार ले चुका था पैसे, वो मेरे पैसे मारे गए, मुझे चेक दे के गया फर्जी 7 लाख रुपए के, मेरे पास चेक लोगों के पैसे, लोगों के पैसे सब बंदों के पैसे है, 10-12 बंदे है, इन सबके पैसे है। कितने रुपए होंगे टोटल? टोटल पैसा बैठा है 70-80 लाख के करीब में, अभी हम बंदों के जो यहाँ खड़े हैं। आपने किसी से शिकायत की? शिकायत की थी हमने थाने में, थाने में हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, हमने तहसील लिख के दी थी और हमें उल्टा बंद कर दिया गया है। कितने लोगों को बंद किया? हमें 4 बंदों को बंद किया था, एक इसमें इसका चाचा था, 2-3 बंदे हम थे, एक रजा एक जामिर भाई, तो और हमें 15-15 हजार रुपए लेके शेयर इंचार्ज ने छोड़ा है हमने। हमें अपना पैसा चाहिए, इसके घर पे गए थे, घर वालों ने कह दिया हमें नहीं मालूम जैद कहाँ है, घर वालों की साजिश है, इसके चचा की इसमें मिली भगत है। क्या नाम है आपको? मोहम्मद जामिन सैफी। मेरा नाम मोहम्मद जामिन सैफी और मैं चांदपुर का रहने वाला हूँ। क्या समस्या है? मुझे समस्या ये है कि जैद सरताज जो है उसने मतलब वही प्रॉपर्टी का झांसा दे के पैसे लिए और फिर वो ले गए मतलब गए। कितने लोगों के सब पैसे लिए? समथिंग 10-12 लोगों के, और अभी जो इतना हमें पता चला और पता नहीं और कितना गया हूँ। अच्छा, आपके कितना पैसा है? मेरे मतलब मेरे भी अपने नहीं है, मतलब मैंने औरों से लेके दिए, लगभग मेरे होंगे 20-30 लाख रुपए। 30 लाख रुपए? दोस्त का झांसा दिया, हमारे साथ नॉर्मल हुआ, सब रहा खाया पिया, इस तरीके से उसने करा। तो आप क्या चाहते हैं? हम हमारा पैसा चाहते हैं। इसमें शिकायत आपने किसी पुलिस से? पुलिस से चांदपुर थाना चांदपुर में की थी। फिर क्या हुआ? हम वहाँ पे गए तहरीर लिखकर, फिर उनकी मम्मी ने कह दिया कि हमारा लड़का किडनैप कर लिया,
तो फिर हमें मतलब अंदर कर दिया जाए इस बिना, ठीक है।